नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही है। तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग की टीम भी बिहार चुनाव को लेकर जो तैयारियां हो रही है उस पर नज़र बनाए हुए है। इसी कड़ी में कुछ देर पहले ही पटना एयरपोर्ट पहुंची चुनाव आयोग की एक टीम, जो कि पटना एयरपोर्ट से सीधे मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई है। साथ ही साथ बता दें कि यह टीम सभी जिलों के DM और HP से मुलाकात करेगी और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है बिहार चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इसको लेकर भी बातचीत करेगी तमाम DM और SP से। आइए तस्वीरों में दिखा दें किस तरीके से पटना पहुँची है टीम और सीधे मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंच रही है। टीम राज्य के 4 शहरों में DM और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी समीक्षा करेगी। भारत निर्वाचन की टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी पहले मुजफ्फरपुर फिर पटना में बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी है, यह जानने के लिए दिल्ली से चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम पटना आई है। सोमवार सुबह चुनाव आयोग के अधिकारी विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से अधिकारी हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर गए, उनके साथ बिहार के अधिकारी भी गए। सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारी पहले मुजफ्फरपुर फिर पटना में बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंगलवार को इसी तरह की बैठक भागलपुर और गया में होगी। बैठकों में चुनाव आयोग के अधिकारी चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ अधिकारियों से चुनाव की तारीखों और चरण पर फीडबैक लेंगे। आयोग की टीम उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार है। चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों तक सभी जिलों के DM और SP के अलावा 5 प्रमंडलों सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्तों के अलावा वहां के IG और DIG के साथ भी बैठक करेगी।